हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल गेमर चैनल और आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GTA 5 के अंदर एक्समैन का मोड। ये जो आंखों से लेजर छोड़ता है बंदा वो, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें दो फाइलों की नीड होगी। एक तो हमारा यही है एक्समैन, दूसरा है हमारा एक्समैन आइज पावर स्क्रिप्ट। तो इन दो फाइलों की नीड होगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी इन इस मोड को वर्क करने के लिए आपकी GTA को पहले तो मोड होना ज़रूरी है, दूसरा आपकी GTA के अंदर एड ऑन पैड्स इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपकी GTA पहले से मोड है और एड ऑन पैड्स भी इंस्टॉल है तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। अगर आपकी GTA मोड नहीं है और एड ऑन पैड्स भी इंस्टॉल नहीं है तो पहले जाके मेरी पुरानी वीडियो देखिए और अपनी GTA को मोड करिए और एड ऑन पैड्स इंस्टॉल करिए, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करिए। तो इन दोनों फाइलों की नीड होगी आपको। इन दोनों फाइलों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है इसलिए मैं नहीं करूँगा। अब आपको अपने डाउनलोड्स में जाना है जहाँ पे आपकी फाइलें डाउनलोड हैं। ये देखिए ये दो फाइलें हैं वो। तो सबसे पहले हम जाएंगे ये स्क्रिप्ट वाले में, इसे ओपन करेंगे सिंपली। इसके अंदर ये दो फाइलें हैं, मतलब चार फाइलें, वैसे हमें इन दो फाइलों की नीड है बस। तो आपको इन दोनों फाइलों को अपनी GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। बाकी आप इसमें रीडमी में जाकर भी पढ़ सकते होगे कैसे कंट्रोल करना है आपको उसकी पावर्स को, लिखा हुआ है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बाकी मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगा। ये हो जाने के बाद इसे कट कर देना है आपको, बैक जाना है आपको। अब ये हमारा जो दूसरा फोल्डर था उसमें जाना है आपको, इसे ओपन कर लेना है। देखिए मैं आपको वहीं से दिखाता हूँ, ये वाला फोल्डर दूसरा, ये इसमें चार फाइलें हैं। सिंपली आपको ओपन आईवी टूल के अंदर जाना है, GTA 5 में विंडोज में जाना है, अब से एडिट मोड को ऑन कर लेना है। अब मोड्स में जाना है आपको, अपडेट में जाना है, X64 में जाना है, DLC पैक्स में जाना है, यहाँ पे एड ऑन पैड्स में जाना है, DLC.RPF में जाना है, यहाँ पे Pets.RPF में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे इस लोकेशन पे। सिंपली आपको ये सारी फाइलों को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंने पहले से की हुई है ये देखिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, पर आपको करना है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपली इसे कट कर देना है यहाँ से, और आपको यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है और इसे कॉपी कर लेना है नेम को। ये डॉट को कॉपी नहीं करना है, बस यहाँ तक ये नेम करना है और सिंपली इसे भी कट कर देना है। और आपको जाना है आप GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में, बाकी नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो नेम। ये देखिए से रीनेम करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, डॉट तक करना है, मतलब डॉट नहीं लेना है आपको, बस यहाँ तक लेना है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, मर्जी आपकी, वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पे एक फोल्डर होगा एड ऑन पैड्स, इसको ओपन करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पैड्स में जाना है आपको, न्यू पैड में जाना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है उस नेम को, पैड्स में जाना है मेल और इसे फॉल्स कर देना है और इसे ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने पहले से ऐड किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा, और ऐड करने के बाद आपको इसे रीबिल्ड कर देना है। ये देखिए रीबिल्ड का ऑप्शन है, रीबिल्ड कर देना है। सिंपली हमारा मोड इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए हम गेम के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आप इसकी पावर्स को कैसे ला सकते हो। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हो हम गेम के अंदर आ चुके हैं। अब सिंपली आपको एल को प्रेस करना है, एड ऑन पैड्स में जाना है आपको, उसके बाद ही सबसे नीचे वाले पे आ जाना है। ये देखिए हमारा प्लेयर एक्समैन बन चुका है, मतलब ये जो भी है। उसके बाद आपको इसकी पावर्स को लाने के लिए टैप प्रेस करना है। ये देखिए उसकी पावर्स आ चुकी हैं, राइट क्लिक करोगे तो ये आंखों से लेजर मारेगा, और राइट प्लस लेफ्ट क्लिक दोनों करोगे एक साथ तो ये पावर शायद
बड़ी लेजर मारेगा ये देखिए। देखिए हम अपने पीछे पुलिस लगाते हैं, तब देखते हैं फिर इसकी पावर। स्पेशल पावर तो इसकी यही है बस, और तो कोई खास पावर है नहीं इसके पास। ये देखिए अभी देखिए पुलिस आ चुकी है, लग चुकी है हमारे पीछे। ये थोड़ा कमजोर सुपर हीरो है, बस एक ही पावर है इसके पास, लेजर वाली। दोस्त से कर दिया इसके दोस्त ने। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।